धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। 17 मार्च 2012 की बात है। कोटा राजस्थान में सफाई महाभियान व सत्संग था। उस समय मैं डेरा सच्चा सौदा सरसा आश्रम की शाही कंटीन में सेवा करती थी और करती हूँ। मैं कंटीन वाली बहनों के साथ सफाई महाभियान पर गई थी। कोटा शहर में सफाई महाभियान के अगले दिन पूजा गुरुजी ने वहां रूहानी सत्संग फरमाया। सत्संग सुनकर हम डेरा सच्चा सौदा कोटा आश्रम में वापस आ गए। उस समय मेरे गांव की बहन शकुंतला इंसा भी मेरे साथ थी। उस दिन रात को आश्रम में रूबरू नाइट का कार्यक्रम भी था। मेरे साथ वाली बहन शकुंतला इंसा ने मुझे कहा कि अपने लंगर लेकर रूबरू नाइट में चलते हैं। लंगर खाते समय मुझे छाती में बहुत तेज दर्द हुआ, जो के आगे से पीछे की ओर जा रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि लगता था कि जान निकल जाएगी। कंटीन की सेवादार बहन आज्ञा ने कहा कि उषा बहन को नन्ना फरिश्ता अस्पताल, गाड़ी में पूरे अस्पताल का जरूरी साजो सामान फिट में दिखा देते हैं। उस समय नन्ना फरिश्ता रूबरू नाइट में ही था। मुझे वहां लेकर गए। उस समय सरसा की 45 मेंबर आशा इंसान भी वहां थी। वह मुझे देखकर घबरा गई। उसने अनाउंसमेंट करवा दी कि गांव बप्पा से बहन उषा की तबीयत बहुत खराब है, उनके साथ अगर कोई है तो नन्ना फरिश्ता के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। मेरे पति ने अनाउंसमेंट सुनी तो वह घबरा गए। उनके साथ हमारे ब्लॉक के जिम्मेवार भाई हरिचंद इंसान, जो के मेरे ही गांव के हैं, वह भी वहां पहुंच गए। वहां पर मौजूद दिल्ली की 45 मेंबर बहन आशा इंसान ने फटाफट डॉक्टरों की टीम को बुलवाया। डॉक्टरों ने चेकअप करने के बाद मुझे मृत घोषित कर दिया। वहां पर मौजूद सेवादारों तथा हरिचंद इंसान ने धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया तथा अपने सतगुरु हजूर पिताजी को, बहन उषा इंसान को प्राण बख्शने के लिए अरदास की तथा सुमरण करना शुरू कर दिया। घट घट व पट पट की जानने वाले सतगुरु पूजा हजूर पिताजी ने रूबरू नाइट के दौरान फरमाया, प्यारी साध संगत जियो, संगत जहां भी है वहीं बैठकर 10 मिनट सिमरन करना है। उन 10 मिनटों के बाद मेरे श्वास वापस आ गए। डॉक्टर ने हरिचंद इंसान को नहरा लगाकर कहा, पिताजी ने बहन को नई जिंदगी बख्श दी है, बहन बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ है। जब मुझे होश आया तो बहनों ने मुझे पूछा कि आपको क्या हो गया था। मैंने कहा कि मैं तो रूबरू नाइट देख रही थी। दुनिया के लिए तो मैं मर गई थी, परंतु सतगुरु कुल मालिक पिताजी मुझे रूबरू नाइट का कार्यक्रम दिखा रहे थे।
जब हम सरसा आश्रम में आए और पिताजी से रूबरू नाइट के बारे में बात की तो पिताजी ने वचन किए, मौत से भयानक कर्म था जो सतगुरु ने सेवा में काट दिया, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रकार सतगुरु ने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया और मेरा मौत जैसा कर्म काट दिया। अब मेरी परम पूजनीय हजूर पिताजी के चरणों में यही अर्ज है कि मेरी ओढ़ निभा देना जी। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।